أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين अस्सलाम असल वरम्ह कुरान वीकली आज मैं आपसे सूरह आले इमरान की आयत नंबर आठ से कुरान की एक बहुत पावरफुल और खूबसूरत दुआ की चंद रिफ्लेक्शन शेयर करना चाहता हूँ हम अल्लाह की हुजूर झुकते हैं और कहते हैं ला तुज़िग़ मैंने आले इमरान की तमाम आयतों में से खसूस इस दुआ को चूज़ किया कि इस सीरीज में मैं सोच रहा था कि मुझे किस आयत से शुरू करना चाहिए मैंने इस दुआ को मुंतखब किया क्योंकि रमजान खसूस इस दुआ को मांगने के लिए मुनासिब वक्त है ए रब हमारे दिलों में देड़ पैदा ना करना ला तुज़िग़ कुलूबाना अरबी में ज्यादा से मुराद है जब कोई जरा सा मुड़ता है और आपको रियलाइज तक नहीं होता यू नो अरबी में इसे कबर खोदने वाले के लिए बोला जाता है क्योंकि रेक्टेंगुलर कबर खोदनी होती है राइट लेकिन जब वो खोदता है तो वो वढ़ा सीधा नहीं खोदता वक्त के गुजरने के साथ साथ जब वो मुकम्मल करता है तो कबर कटाव में होता है तकरीबन लेटर सी की तरह इस प्रॉब्लम की वजह से अरबी में इसे जयक कहते हैं इस मिसाल से हम अखस करते हैं कि एक शख्स सीधा जा रहा होता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कब उसने गलत टंग लिया वो डिविएट हो गया तो ये शख्स जयक है यू नो और ये दुआ है ला ए रब हमारे दिलों को गुमराह ना होने देना डिविएट ना होने देना यू नो डिविएशन 90 डिग्री नहीं होती कि आपने इस रास्ते पर जाना था और आप उस रास्ते पर चल दिए आप उस मतलब भूल जाओ नहीं दिल जब अल्लाह के करीब होता है तो चंद लमहत में ही अल्लाह से दूर नहीं जाता वो आहिस्ता 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 थोड़ा थोड़ा करके दूर जाता है और हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि हमारे रास्ते में हिफाजती इकदाम कर दीजिए ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर बगैर महसूस किए अल्लाह से दूर ना होते चले जाए और इसके हमारा ईमान बिल्कुल खत्म हो जाए आपने से बाद इस महीने में अल्लाह से ऐसी महसूस करते हैं जो आपने एक अरसे से महसूस नहीं की होती और आप मजे में दुआ मांग रहे होते हो और आपके इर्द गिर्द लोग उनमें से कोई रोते हुए दुआ मांग रहा होता है और अचानक आप भी वही कैफियत महसूस करते हैं आप भी अल्लाह की तरफ मतवज होकर दुआ मांगते हैं और आंसू बहाते हैं और आपको यह ख्याल आता है कि यार काश ये फीलिंग्स हमेशा ऐसी ही रहें जब आप ऐसा फील करें तो उस वक्त आप ये दुआ मांगें यार अल्लाह हमारे दिलों में कजी पैदा ना करना उन्हें गुमराह ना होने देना बाद हद तना हमें हिदायत देने के बाद है ना और ये इंटरेस्टिंग है अल्लाह ये नहीं कहते कि इन्हें हिदायत देने के बाद हदई तहा दिलों को हिदायत देने के बाद अल्लाह कहते हैं कि हमें हिदायत देने के बाद इसका मतलब है कि हम ही अपना दिल है और अगर दिल गुमराह ना हो तो हमारा सारा वजूद हम सर तपैर हिदायत पर है सोना so, तना और फिर अल्लाह कहते हैं वह हब ला दुन का रहना बहुत अल्फाज अल्लाह फरमाते हैं अरबी में हिबा के मानी है गिफ्ट वहा है जिसका मतलब है एक बहुत बड़ा गिफ्ट देना या अल्लाह हमें बहुत बड़ा तोहफा जनरस ग्रैंड गिफ्ट अदा कीजिए अपने सीक्रेट खजानों में से और मैं अपने अल्फाज का एहतियात से चुनाव करता हूँ क्योंकि अरबी में लदुन सिर्फ उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं होता जो आपकी मलकियत में हो बल्कि वो चीज़ जिसको आपने संभाल कर अपनी मल्कित में रखी हो इसे किसी और ने देखा हो और वो आप जब किसी को देते हो तो वो होता है हादमाम लदुनी अगर कोई चीज़ आपकी मलकियत है मसला ये मेरी पॉकेट में पेन है और मैं आपको देता हूँ तो ये हर रहा मैंने आइंदी है ये मेरी तरफ से है और आइंदा भी कुरान में इस्तेमाल हुआ है तो जब आप लद देखते हैं तो ये कुछ स्पेशल है कोई मामूली चीज़ नहीं है ये अल्लाह की कोई खसूसी रहमत है आप कहते हैं या अल्लाह प्लीज़ इसे गौर से सुनिएगा मैं आपसे बहुत दफ़ा बार बार दूर होता हूँ मैं आपके करीब होता हूँ फिर दूर चला जाता हूँ फिर करीब होता हूँ फिर दूर चला जाता हूँ ये मेरा एक साइकिल बन चुका है जिससे मैं गुजर रहा हूँ और जब आप किसी साइकिल में फंस जाते हो ना

इन्ना क्या आप और आपसे वाहिब नहीं है आप बिलाशुबा ना सिर्फ तमाम तमाम तोहफे अता करने वाले हैं बल्कि आप बहुत ज़्यादा और बार बार तोहफे देते हैं या अल्लाह मैं ये तोहफा सिर्फ एक दफ़ा नहीं लेना चाहता खसूस ख़जाने से अता करदा हिदायत और दिल का सीधे रहने का गिफ्ट यह सिर्फ एक दफ़ा नहीं चाहता मुझे ये बार बार चाहिए मुझे कल भी इसकी ज़रूरत है परसों की ज़रूरत है और इसे अगले दिन भी ताकि मैं आपको पुकार सकूँ कि वो ज़ात जो मुसलसल और बार बार तोहे देती है क्या ही खूबसूरत दुआ है अल्लाह से मांगने के लिए कहते हैं कि रमज़ान के बाद उसका खत, उसका असर ख़त्म हो जाता है इस दुआ से रमज़ान का असर ख़त्म नहीं होगा और आप अल्लाह की जानब मुतवजह होकर कहते रहेंगे रबाना ला तुज़ी क्लू बना बाद हदी तना वह मिल्ल का रहना इन ना दुआ है कि अल्लाह हमें अपने खूबसूरत तुफ़ों मोहब्बतों और रहमत को वसूल करने वाला बना दे बरकुम्लैक् वरहि व